This is question from chapter arithmetic progression. According to the question, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then show that its m nth term is 1. तो आपको दिया हुआ है mth term is 1 by n. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है ना, n is a plus n minus 1 into d. nth term का फॉर्मूला आपके पास है. यहाँ पर mth term है, तो am क्या होगा, a plus m minus 1 into d, और आपको दिया हुआ है that is equal to 1 by n, ठीक है. और फिर nth term दिया हुआ है an, an मतलब a plus n minus 1 into d, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है. और हमें क्या शो करना है, we are required to prove that its mth term am nth term is 1. क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा और d मिल जाएगा, ठीक है, a एलिमिनेट हो जाएगा और हमें d मिल जाएगा. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मैं एक बार फिर से लिख रही हूं, a इक्वल a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज 1 बाय n, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 1 बाय m, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल. यहां पर ध्यान से देखो, d का कोफिशियंट है m माइनस 1, यहां पर d का कोफिशियंट है n माइनस 1 और साइन माइनस का लगेगा, माइनस ऑफ n माइनस 1, ठीक है. ये सबका d कोफिशियंट, d का कोफिशियंट ये हमने लिख दिया, और राइट साइड में 1 बाय n माइनस 1 बाय m, ठीक है. अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू d इज, यहां पर हम सॉल्व कर लें, m और n एलसीएम, न्यूमरेटर में आ जाएगा m माइनस n, ठीक है. यहां पर माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बचा क्या, एम माइनस एन. सो एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन. यहां से एम माइनस एन कैंसिल, तो हमें डी मिल गया वन अपॉन एम एन. अब इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी में भी पुट कर दो तो आपको ए मिल जाएगा. तो मैं इक्वेशन वन ले रही हूं, ये डी की वैल्यू आ गई है. अब हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं, ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय n, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1 अपॉन एम एन, इज 1 अपॉन n, ठीक है. इसको सॉल्व कर लें, a प्लस ऐसा लिख सकते हैं m माइनस 1 अपॉन एम एन इज 1 अपॉन n, ठीक है, लिख सकते हैं. तो a कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस ये पूरा टर्म, प्लस वाला ये पूरा टर्म हमने साइड चेंज कर दिया, तो दूसरी साइड जाके ये माइनस हो गया. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहां पर मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, a इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn, ठीक है. अब हम एलसीएम ले लेते हैं, n और mn का एलसीएम mn, यहां पे क्या आ जाएगा, m माइनस यह है m माइनस 1, ठीक है. कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन m अपॉन mn. कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ एन पी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एन मल्टीप्लाई होगा, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एन एम, वापस लिख लें इसको, एम माइनस एन एम प्लस एन, ठीक है, माइनस एन एम प्लस एन अपॉन एम एन. तो कैंसिल तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, एम एन एलसीएम लिया तो यहां पर हुआ एम माइनस, नहीं सही किया था, एक्चुअल में सही किया था, ये सही था, एम माइनस एम और प्लस वन अपॉन एम एन, ठीक है, ये माइनस एम प्लस वन, क्लियर हुआ. वापस बता रही हूँ, एम एन और एम एन का एलसीएम एम एन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस एम एन डिवाइडेड बाय एन, एम बचा इंटू वन, तो एम माइनस का साइन, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वन, इंटू ये किया तो एम माइनस वन, और हमने सॉल्व कर लिया तो वन अपॉन एम एन. तो अब ध्यान से देखो, हमें ए भी वही मिला जो डी था, ठीक है, डी और ए की वैल्यूज हमें मिल गई. अब हमें जो प्रूव करना है उस पर फोकस करते हैं, हमें प्रूव करना है एम एन एथ टर्म, तो हमें एम एन एथ टर्म बतानी है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह आपके पास क्या है, एम एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन की जगह यहां है एम एन. अब ए की वैल्यू पुट कर दो और डी की भी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा. देखिए यहां पर है ए एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, ठीक है,
एलसीएम हुआ एम एन, यहाँ पर हुआ वन प्लस यहाँ हुआ एम एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो बच गया एम एन अपॉन एम एन एंड दैट इज इक्वल टू वन वन, हेंस ए एम एन नेक्स्ट टर्म इज वन।